हाय लड्डियाँ, राम राम। तो लड्डियाँ, आज अपन गेहूँ में सिंचाई चालू कर दिया हूँ, पानी पानो। वो देखो, गेहूँ पानी चालू कर दिया हूँ गेहूँ में सिंचाई। तो मैं क्यों वीडियो बना लिया गेहूँ को सिंचाई करते समय का। तो ये देखो, सिंचाई कर रहे हैं खेत के अंदर। तो दोस्तों, मेरे प्यारे मित्रों, मेरी वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अपने चैनल को मोनेटाइज। तो लाइक करना तो बनता ही है और वीडियो को पूरा देखना। ये देखो, हम सिंचाई कर रहे हैं, तो आपको हमारे गेहूँ कितने दिनों में उगते हैं उसकी डिटेल पूरी बताएंगे। तो हमारे इस ब्लॉग में, इसलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं, हमारे इस ब्लॉग में आप देखें आज हम शुरू कर रहे हैं तो कितने दिनों के बाद गेहूँ उगते हैं। और ये देखो, जाओ भी तैयार हो चुका है खोडा, क्यारी मांड के हमने शुरू कर दिया। तो अभी शाम के लगभग 6 बजे हो गए, तो हमने अभी शुरू करा है। तो कितने दिनों के बाद गेहूँ उगते हैं तो वो आपको हम बताएंगे। ये देखो, और ये भर चुका है खोडा पानी से। और ये देखो, कपास की जो जड़ें होती हैं वो अंदर रहती है ज़मीन के अंदर, तो वो चुगनी पड़ती है, क्योंकि गेहूँ जब काटेंगे तभी तकलीफ नहीं देंगे, जड़ें जो दातली होती है ना उसके अंदर नहीं आएंगी, इसलिए हमने चुग ली है जड़ें। और ये हमारा पावड़ा, और ये देखो वो भाई, ये मेथी, उसका वीडियो तो आपने देखा है हमारे चैनल पर। और यहाँ से आता है पानी। तो दोस्तों, किसान हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना और पूरा देखना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है ना दोस्तों। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ।